हेलो 8 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो में साइंस का सेकंड लेसन हेल्थ एंड डिसीज देखा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, ये लड़का चेकिंग फीवर कर रहा है, मतलब इसको फीवर हुआ है तो ये चेक कर रहा है इसे कितना फीवर है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी स्टूडेंट्स, हेल्थ क्या होता है, डिसीज़ क्या होता है, डिसीज़ के टाइप्स कैसे होते हैं, कौन सी डिसीज़ ड्यूरेशंस के थ्रू होती है, कौन सी डिसीज़ रीजंस के थ्रू होती है, उनके क्या टाइप्स हैं, इन्फेक्शनल डिसीज़ देखे स्टूडेंट्स जो थूकने से होती है, फिर हम लोगों ने डेंगू देखा स्टूडेंट्स, मलेरिया देखा, देन आफ्टर ऑल हमने एड्स भी देखा। तो अब हम स्टूडेंट्स इन्फेक्शनल डिसीज़ में एनिमल्स के थ्रू जो डिसीज़ होती है वो देखेंगे। एक्चुअली स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैंने आपका ये वीडियो 4 बार बना चुकी हूँ। एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग हो करके फिर सेव नहीं हो रहा है, तो दैट्स वाई मैंने ये 4 टाइम बनाया स्टूडेंट्स। तो अब मुझे ये एकदम अच्छे से मतलब ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से लर्न याद हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स मैं विदाउट रीड किए हुए थोड़ा बहुत रीड करूँगी और आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको नहीं समझता है स्टूडेंट्स तो मैं फिर से बता दूँगी, बट मैं आपको इसको इसी तरह एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये वीडियो स्टूडेंट्स मैंने 4 बार बनाया है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स हम रेबीज़ का। तो रेबीज़ जो है स्टूडेंट्स ये ना वायरल डिसीज़ है और ये ना इन्फेक्टेड, मतलब जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं जस्ट लाइक अ डॉग, रैबिट, मंकी, तो ये इनके थ्रो इनके काटने से होता है स्टूडेंट्स। और इसमें क्या होता है, ये मतलब इसका वायरस स्टूडेंट्स ब्रेन के थ्रो न्यूरॉन्स में वायरस जो है वो ब्रेन के थ्रो न्यूरॉन्स ब्रेन वाया न्यूरॉन्स में क्या होता है एंटर करता है। और इसमें हाइड्रोफोबिया नाम के जो का सिम्टम्स होता है स्टूडेंट्स ये डिसीज़ का, जिसमें क्या होता है जो विक्टिम होता है मीन्स जिसको ये डिसीज़ होने वाली होती हुई रहती है उसको पानी से बहुत डर लगता है स्टूडेंट्स, और बिजली से भी वो डरता है। इसमें ऐसा दिया हुआ नहीं है बिजली से डरता है, बट हाँ उसे बिजली चमकने से भी डर लगता है। फिर उसके बाद रेबीज जो है वो स्टूडेंट्स बहुत खौफनाक और भयानक डिसीज़ होती है। अगर हम मतलब इसके ऐसा होने के बाद मतलब इस जानवरों के काटने के बाद अगर हम उसका वैक्सीनेशन नहीं लेते स्टूडेंट्स तो उसके सिम्टम्स हमें 90 to 75 days में दिखने लगता है। और मेन चीज़ क्या होती है स्टूडेंट्स, अगर हम इसका वैक्सीनेशन नहीं लेते हैं तो हमें पानी से डर लगेगा, बिजली चमकने से डर लगेगा, देन आफ्टर ऑल हम कुछ कुत्ते जैसा बिहेव करने लगते हैं और हमें पागल मतलब वो इंसान पागल हो जाता है स्टूडेंट्स, और उसकी डेथ होने की भी संभावना रहती है। दैट्स वाई ऐसा कभी कुछ होता है, देखो डॉग बाइट्स करता है तो तुरंत जा कर के 14 इंजेक्शन देते हैं और उसका वैक्सीनेशन टाइमली उसे वैक्सीन अपने आप को वैक्सीनेट करते रहते हैं। आफ्टर ऑल हमें मतलब जिसके वजह से हमें उसके सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, हम रेबीज से क्या होते हैं दूर रहते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे नॉन इन्फेक्शनल डिसीज़। तो नॉन इन्फेक्शनल डिसीज़ ऐसा होता है स्टूडेंट्स जो इन्फेक्शन के थ्रू नहीं होता या फिर किसी के बॉडी कॉन्टेक्ट में आने से नहीं होता है। ये डिसीज़ में स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसे भी होती है, ये डिसीज़ मतलब ज़्यादा करके हमारे बॉडी इटसेल्फ ह्यूमन के बॉडी इटसेल्फ के सर्टन रीज़न से होती है, मीन्स जंक फूड खाना, ये सारे फालतू चीज़ें खाना, और उसके बाद प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना, फिटनेस बढ़ना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, तो ये सारी चीज़ों से नॉन इन्फेक्शनल डिसीज़ होती है। तो कैंसर देखेंगे स्टूडेंट्स, कैंसर में क्या होता है स्टूडेंट्स अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल सेल्स का क्या होता है ग्रोथ होता है, उसे कैंसर कहते हैं। जैसे देखो स्टूडेंट्स हमारे शरीर को ग्रोथ करने के लिए हम सेल्स के सेल डिवीज़न होना ज़रूरी है, सेल्स का ग्रोथ होना ज़रूरी है। तो कैंसर में भी क्या होता है कि सेल्स का ग्रोथ होता है, बट ये कि सेल कैसे होते हैं एबनॉर्मल होते हैं, और एबनॉर्मल होते हैं और उसके बाद ये अनकंट्रोल होते हैं जिसकी वजह से ये ट्यूमर फॉर्म्स में चेंज हो जाते हैं। ये इसके ग्रुप्स ऑफ और लम्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, कैंसरस सेल्स को बोला जाता है मैलिग्नेंटेड ट्यूमर, और ये ट्यूमर स्टूडेंट्स हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में हो सकते हैं जस्ट लाइक अ लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, न्यूट्रस, यूट्रस मीन्स स्टूडेंट जहाँ से हम यूरिनेशन करते हैं उसे यूट्रस कहते हैं, स्किन और टिश्यूज़ लाइक ब्लड, मतलब ब्लड कैंसर भी आप लोगों ने सुना होगा, तो वो टिश्यूज़ में होने के थ्रू ब्लड कैंसर होता है। इसके रीजंस होते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम ज़्यादा टबेको खाते, गुटखा खाते, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहलिज्म करते हैं, और मतलब केमिकल से उगाई हुई ज़्यादा भाजियाँ खाते, लिक्विड वेजिटेबल्स खाते हैं, और मतलब जंक फूड्स खाते लाइक पिज्ज़ा, बर्गर, मंचूरियन, चाइनीज़ वेल, तो ये सारी चीज़ों से हमें स्टूडेंट्स कैंसर होने का कारण हो सकता है। और अधिक फ़ोन यूज़ करने से भी उसका जो रेडिएशन निकलता है स्टूडेंट्स उससे भी कैंसर होता है, और कभी कभी हेरिडिटी की वजह से भी कैंसर होने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर हमारे पेरेंट को कैंसर है तो
तो अब ये मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी हेरिडिटी हम में आ जाती है तो कैंसर हो सकता है। इसके सिम्टम्स होते हैं स्टूडेंट्स कॉर्निक कफ, मतलब कफ निकलना और उसके बाद सूखा कफ, गीला कफ, कफ निकलना, आवाज़ में बदलाव आना, निगलने के लिए प्रॉब्लम होना, उसके बाद अनएक्सप्लेनेबल वेट लॉस होना, मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते उतना, फिर चेस्ट में भी प्लम्स आना, ये सारी चीज़ें इसके मतलब इन्फ्लेमेशंस होना, ये सारे कैंसर्स के वो है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये इसका माउथ कैंसर है, कितना गंदा दिख रहा है, क्योंकि ये टबैको मतलब इन्होंने भी कुछ अल्कोहलिज्म या फिर टबैको को च्विंग किया होगा, स्मोकिंग की होगी, दैट्स व्हाई इन्हें ऐसा हुआ है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्या होता है स्टूडेंट्स, हार्मोनल इंसुलिन प्रोड्यूस ऑफ द पैनक्रियास, कंट्रोल ऑफ द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन द ब्लड, मतलब ब्लड्स को क्या, शुगर को क्या करना, कंट्रोल करना ब्लड में। इंसुलिन, इफ़ इंसुलिन सिक्रेटेड ऑफ द लो क्वांटिटी, अगर हमारी इंसुलिन लो क्वांटिटी में सिक्रेट हो रही है और ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल, और ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है तो स्टूडेंट्स डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ का डिसऑर्डर होता है। डायबिटीज़ में स्टूडेंट्स रात, हमें ये चीज़ें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, अगर हमें रात को बार बार टॉयलेट हो रहा है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि बार बार टॉयलेट क्यों आ रहा है। इंक्रीजिंग ओबेसिटी और उसके बाद वेट लॉस भी होता है स्टूडेंट्स, इसका रीजंस है डायबिटीज़ का, हेरिडिटी, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने से। हेरिडिटी मीन्स मैंने आप लोग को बताया, अगर पेरेंट को है तो यंग्स वन को भी हो सकता है, ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेने की वजह से भी होता है। अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स प्रिजर्वेशन मेजर्स क्या होता है, मतलब कैसे प्रिजर्वेशन लेना चाहिए। फॉलोइंग ऑफ प्रॉपर डाइट, प्रॉपर डाइट खाना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और हमें सुपरविजन डॉक्टर्स का लेना चाहिए, और उससे वजह से डायबिटीज़ क्या हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है। देन आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, हार्ट डिसीज़ देखेंगे। हार्ट डिसीज़ में क्या होता है स्टूडेंट्स, इनसफिशियंसी ऑफ हार्ट डिसीज़ इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ ब्लड सप्लाई, डिक्रीजेज ऑफ द ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई का कम होने से ये डिसीज़ होती है स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन के भी और न्यूट्रिशंस के भी सप्लाई कम सप्लाई होने से भी मतलब ये हार्ट डिसीज़ होती है स्टूडेंट्स। ड्यू टू दिस हार्ट डिसीज़ हैव टू द परफॉर्म मोर वर्क टू द लीड्स ऑफ ट्रेस ऑन इट, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा ट्रस्ट लेना, ज़्यादा काम को लेकर के ट्रस्ट लेना, तो इस वजह से होती है, इससे हार्ट अटैक आने का संभावना रहता है। और स्टूडेंट्स जिसको भी हार्ट अटैक आता है उसे इमिडिएटली डॉक्टर्स के कंसल्टेशंस में लेके जाना चाहिए और उसे उसका तुरंत ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। फर्स्ट एड होता है स्टूडेंट्स हार्ट अटैक का, कि उसमें मतलब फर्स्ट एड क्या है हार्ट अटैक का, वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले इसे क्या इग्नोर नहीं करना चाहिए वो देखना चाहिए। सर्वर चेस्ट पेन, अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो नहीं देख मतलब उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्लस पेन ऑफ शोल्डर, शोल्डर में पेन हो रहा है तो भी उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और नेक और आर्म, नेक आर्म में भी हो रहा है तो भी, और चैंस ऑफ हेड, ये सारी चीज़ें होती है स्टूडेंट्स, मतलब ये सारे ऑर्डर्स दिखते हैं तो हमें ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं हमें तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। रीज़न ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक देखते हैं स्टूडेंट्स क्या रीज़न होता है, स्मोकिंग करने से, अल्कोहलिज्म करने से, डायबिटीज़ की वजह से, ज़्यादा हाइपरटेंशन लेने की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, लैक ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज, ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने से, और हेरिडिटी से भी ये होता है स्टूडेंट्स, मेंटल स्ट्रेस लेने से, ज़्यादा गुस्सा दिखाने से, ये सारी चीज़ों से। तो अगर इसमें फर्स्ट एड क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर सबसे पहले तो एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए, 108 पे कॉल लगाना चाहिए। देन आफ्टर ऑल जिसको हो रहा है हार्ट अटैक हो रहा है, उसके चेस्ट को सेक करना चाहिए, फिर उसे क्या करना चाहिए, हॉरिजॉन्टली सुला देना चाहिए, और इसे ही बोलते हैं कंपेरिजन ओनली लाइफ सपोर्ट। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमें उसके थायरॉक्स को 30 टाइम्स क्या करना चाहिए, 120 स्ट्रोक्स पर मिनट उन्हें देना चाहिए। अभी हार्ट डिसीज़ के स्टूडेंट्स कुछ मतलब उसका ट्रीटमेंट है, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, हार्ट ट्रांसप्लांट, इंसुलेशंस ऑफ स्टेंट, इंसुलेशंस ऑफ पेसमेकर, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हार्ट के डिसीज़ को क्या है रिकवर करने के लिए, मतलब ये उसका ट्रीटमेंट है स्टूडेंट्स। अभी देखेंगे मिसयूज ऑफ मेडिसिन। हम सीरियसली स्टूडेंट्स, अब जब कुछ कुछ पीपल्स होते हैं जो विदाउट डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस के वो पेन किलर्स लेते रहते हैं, और ओवर पेन किलर लेने से, ओवरडोज लेने के वजह से स्टूडेंट्स हमारे जो ये किलर का काम करते हैं, मतलब पेन किलर हमारे न्यूरॉन नर्वस सिस्टम को, एक्सरेटरी सिस्टम्स को, लीवर्स को डैमेज करने का काम करते हैं, हमारी एंटीबॉडीज़ को भी क्या करते हैं, कमज़ोर बनाते हैं। दैट्स वाई हमारे स्टमक में पेन होता है, हमें वाइट पैचेस आ जाते हैं, हमारे टंग पर रश,
रसेस हो जाते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें होती है स्टूडेंट्स, हमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन भी होता है। और स्टूडेंट्स हम बोलते हैं ना, हाँ जस्ट लाइक हमारे बॉडी पर रैशेस आ जाना और टंग्स पर क्या सफ़ेद सफ़ेद कलर के पैचेस आ जाना, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा मेडिसिन के मिसयूज़ से होती है। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स, पुअर पीपल डू नॉट एफोर्ड टू द कॉस्टली मेडिसिन, इट्स देयर मे बी अल्टरनेटिव फॉर दिस विच वन, मतलब जो बहुत गरीब लोग होते हैं स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा बड़ी हाई फाई दवा नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उसके लिए देखेंगे जर्नेक मेडिसिन होती है स्टूडेंट्स। जर्नेक मेडिसिन को जर्नल मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है, ताकि इसे कोई भी क्या कर सके स्टूडेंट्स, मतलब अपने यूज में ला सके अगर उन्हें उसकी ज़रूरत है तो। दिस आर टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूट विदाउट ऑफ एनी पेटेंट, दिस मेडिसिन आर दी एज अ पर इन इक्वालिटी ऑफ द ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन, मतलब इसके बहुत सारे ये ब्रांडेड मेडिसिन है स्टूडेंट्स। प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन, इनका जो ये प्रोडक्शन और कॉस्ट होता है स्टूडेंट्स बहुत लो होता है, ताकि ये कहीं पर भी क्या हो ईजिली अवेलेबल हो रिपीडली। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, लाइफ स्टाइल ऑफ द डिसीज, मतलब लाइफ स्टाइल एंड डिसीज, पहले के जनरेशन की जो लाइफ स्टाइल थी स्टूडेंट्स, पहले के जनरेशन के जो लोग थे बहुत हार्ड वर्कर हुआ करते थे, वो इतना हार्ड वर्क करते थे मीलों तक दूर चलना, प्लस घर में हाथों से आटा पीसना, हाथों से मसाला पीस करके बनाना, खेती करके अपने हाथों से मतलब उसे साफ करके चुन करके खाना, खुद से रोटी बनाना। आज के जनरेशन में सब मेकर्स आ चुके हैं स्टूडेंट्स, रोटी मेकर, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, मसाले को ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडर मिक्सर, तो जिसके वजह से हमारी लाइफ क्या हो चुकी है स्टूडेंट्स, बहुत इजी हो चुकी है। दैट्स वाई हमें क्या होती है, पहले के जनरेशन के लोग जितना हार्डवर्क करते थे स्टूडेंट्स, उनकी लाइफ भी उतनी लॉन्ग होती थी, और आज के जनरेशन में जितना मतलब नॉर्मेलिटी हो चुकी है, जितनी मशीन अवेलेबल हो चुकी है, उसके वजह से हमारी लाइफ कैसी हो चुकी है, बहुत लेजी हो चुकी है, हम ज़्यादा करके जंक फूड खाते हैं। पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है स्टूडेंट्स लाइफ स्टाइल का, कि पॉपुलेशन भी इतना बढ़ चुका है कि आज उतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। जैसे अंडे ही मान लो स्टूडेंट्स, तो इतनी पॉपुलेशन है और क्या उतना मुर्गी अंडा दे सकती है, नहीं, तो इस वजह से उसे भी केमिकल प्रोसेस से उगाया जा रहा है स्टूडेंट्स। वेजिटेबल्स को भी केमिकली उगाया जा रहा है, इनफ जो ग्रेन्स होते हैं स्टूडेंट्स उसको भी केमिकली उगाया जा रहा है, दैट्स वाई और हम वो सारी चीज़ें खाते हैं, इस वजह से हमें वो हमें लगता है कि हम हेल्दी चीज़ खा रहे हैं, बट जो हार्मफुल चीज़ें हम खाते हैं, केमिकल्स के थ्रू उगाई हुई चीज़ें हम खाते हैं स्टूडेंट्स, जंक फूड्स खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है स्टूडेंट्स वो थोड़ी शॉर्ट हो चुकी है। आज के जनरेशन के लोग अगर 80 साल भी जी लेते हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो लाइफस्टाइल एंड डिसीज, अगर लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, लाइफस्टाइल स्टूडेंट्स इजीली हो चुकी है, लोग हार्डवर्क नहीं करना चाहते हैं, और मतलब दूरों तक अभी यहाँ से अगर 3 किलोमीटर चलने के लिए बोल दिया जाए तो नहीं जाते, उन्हें कोई ना कोई व्हीकल्स की ज़रूरत होती है। पहले के जनरेशन के लोग बहुत चलते थे, इस वजह से वो बहुत स्ट्रांग भी रहते थे। आज के जनरेशन की लाइफस्टाइल बहुत चेंज होती जा रही है, और पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना, इट इज़ अ मॉडर्न पीरियड, तो दैट्स वाई उनको जंक फूड खाने की वजह से कैंसर्स होना, जैसे हम लोगों ने अभी आगे देखा। तो ये लाइफस्टाइल की वजह से स्टूडेंट्स डिसीज़ भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अभी डिसीज़ तो बढ़ती जा रही है स्टूडेंट्स, तो वैक्सीनेशंस भी दिया हुआ है, इसलिए देखो अभी पहले के जनरेशन में कोई योगा वीगा इतना नहीं करता था, इतना हार्डवर्क हो जाता था स्टूडेंट्स की योगा करने की ज़रूरत ही नहीं, और इंसान फिट रहता था, उनकी भी हैबिटेट होती थी। आज हम लोग स्टूडेंट्स कोलगेट से ब्रश करते फिर भी हमारे टीथ ख़राब रहते हैं, बट जो पहले के जनरेशन के लोग होते थे वो दतून से करते थे नीट के, तो उनकी टीथ इतने स्ट्रांग रहते थे, वो बुढ़ापे तक चने मतलब स्ट्रांग चीज़ें खा लेते थे और उनकी टीथ बहुत स्ट्रांग, और आज के जनरेशन के छोटे बच्चों के भी टीथ ख़राब हो जाते हैं, उनको योगासन की ज़रूरत पड़ती है, योगा करना पड़ता है। तो ये लाइफस्टाइल की वजह से हो चुका है स्टूडेंट्स, हम अपनी लाइफ को बहुत इजी बना चुके हैं, दैट्स वाई हमें डिसीज़ भी क्या होती है, जितना हम अपनी लाइफ को इजी बनाते हैं उतने हमें क्या होती है डिसीज़ घेरते चली जाती है। तो उसके लिए वैक्सीनेशन भी निकला है स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई है ना स्टूडेंट्स वो यहाँ पर सारी दी गई है, कि फिज़िकल एक्सरसाइज रूटीन्स हमारे चेंज हो चुके हैं, फ्रिक्वेंटली हमारे अंदर चेंजेस आते जा रहे हैं। तो पहले के लोग कैसे, लोगों की हाइट भी बहुत ज़्यादा होती थी, स्ट्रांग होते थे, आज के जनरेशन में हाइट भी कम होती है, लाइफ भी बहुत कम होती है, तो वो सारी चीज़ें आप रीड करोगे स्टूडेंट्स तो आपको पता चलेगा। वैक्सीनेशन निकला हुआ है स्टूडेंट्स, कि पहले क्या होता था, छोटे बच्चे जब मतलब बड़े होते तो पीलिया हो जाता था, या फिर क्या बोलते हैं पोलियो होता है, तो ये सारी चीज़ों की वैक्सीनेशन निकली। अगर हम टाइम टू टाइम वैक्सीनेट करते रहेंगे अपने आप को, तो हमें फ्यूचर में डिसीज़ से हम बच सकते हैं।
और स्टूडेंट्स एक बात बोली गई है कि जैसे देखिए स्टूडेंट्स हर डॉक्टर हमें जो हमारा फैमिली डॉक्टर होता है वो हमें हमेशा रेकमेंड करते रहता है कि 6 मंथ में हमें TT का इंजेक्शन लगा लेना चाहिए ताकि इनकेस हम कभी भी हमारे डेली रूटीन में कभी किसी चीज़ इन्फेक्शन मतलब आयरन से ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी पर लग भी जाते हैं, खील छुप जाता है तो हमें उसका कुछ इन्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि उसका एंटीडोट ऑलरेडी हमारे शरीर में है, वो उससे क्या करता है फाइट कर लेता है। तो वैक्सीनेशन की भी बहुत ज़रूरत होती है और जब बेबी पेट में रहता हो तब से ही और जब तक वो 18 ईयर्स तक का नहीं होता उसके बाद भी क्या होता है बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाता है। वैक्सीनेशन मीन्स होता है स्टूडेंट्स सुइयाँ लगाना, ड्रॉप्स पिलाना, तो जिसकी वजह से उनकी बॉडी में ग्रोथ को लेकर के और उनके मतलब फ्यूचर में उनके कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तारीख डिसीज को फेस ना करना पड़े, दैट्स व्हाई वैक्सीनेशन दी जाती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझा होगा, मैंने बहुत शॉर्टली बताया, आप रीड कीजिएगा स्टूडेंट्स, मैंने जितनी भी बातें बोली है वो पूरी बातें इसमें दी हुई है स्टूडेंट्स, बस मैंने रीड नहीं किया है क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 टाइम्स इसे बना चुकी हूँ, तो आप समझ सकते हो कि बार बार रीड करने पर बहुत अजीब मतलब गुड नहीं फील हो रहा था मुझे। अब हम देखेंगे अंडरस्टैंड एंड इम्पॉर्टेंस, ब्लड डोनेशन करना चाहिए स्टूडेंट्स, ब्लड डोनेशन एक फुलफिल नीड है लोगों के लिए, 3% एट वन टाइम मतलब 3% नीड फॉर द 3% एट वन टाइम फॉर एग्जांपल्स, मतलब एक अगर एक चीज़ आप डोनेट करते हो तो इंसान को 3 चीज़ों की ज़रूरतें पूरी हो जाती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्लेटलेट्स, और हमें पूरे साल में स्टूडेंट्स कम से कम हमें 4 बार तो क्या करना चाहिए ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से स्टूडेंट्स बॉडी में ब्लड का ग्रोथ अच्छे से होता है, सर्कुलेशन अच्छे से होता है और बॉडी हेल्थी रहती है। तो स्टूडेंट्स नहीं समझा होगा तो मैं वंस मोर आपको एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू।